हाय, मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैं 29 इयर्स की हूँ और बॉम्बे से हूँ। मेरी नई शादी हुई है, अभी 6 महीने ही हुए हैं। मुझे ट्राइजमल न्यूरोलॉजिया था पिछले 3 साल से, और ये अचानक से मुझे हुआ। मुझे कभी पता नहीं था, मुझे अचानक से पेन हुआ एक दिन मेरे राइट साइड पे। ऑल ऑफ अ सडन एकदम मैं कुछ खा रही थी और मुझे ऐसे लगा मुझे दांत में दर्द है। तो जब हुआ तो मैं इतना डर गई, मुझे लगा कि मेरे दांत का है, और मैं डेंटिस्ट के पास चली गई। मेरे डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि शायद आपका अक्कलदार जो निकल रहा है वो आपके आगे के जबड़े को पुश कर रहा है, इस वजह से आपको अक्कलदार निकलवा लेना चाहिए। मुझे ज़्यादा पता नहीं था, कभी दांत के डॉक्टर को दिखाया नहीं। तो जब हुआ तो इतना तेज़ पेन हुआ कि मुझे लगा बस आज ही निकलवा लेना चाहिए, बिकॉज वो एकदम इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता था। मैं हाथ नहीं लगा पा रही थी मेरे मुंह पे, मैं मुंह नहीं धो पा रही थी। मैं डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने मेरा ऊपर का और नीचे का दोनों अक्कलदार एक साथ निकाल दिया। जब एक साथ निकाल दिया तो वैसे ही मेरी हालत ख़राब हो गई। जब एनेस्थीसिया का असर जाने लगा, जब सुन का असर ख़त्म होने लगा, तो मुझे लगा कि मेरा पेन तो अभी भी नहीं गया। मैं मुंह नहीं हिला पा रही, ऊपर से इतना स्वेलिंग हो गया, मुझे मुंह नहीं हिला पा रही, बात नहीं कर पा रही, जो थोड़ा बहुत खा भी रही थी वो भी मेरा बंद हो गया। मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चली गई। जब मैंने मेरे डेंटिस्ट को बताया कि ये तो अभी भी कम नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे ट्रिप्टान करके एक मेडिसिन आती है उसका 200 mg का एक डोज दिया और कहा कि आपको दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं एकदम घबरा गई, दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जब दिमाग के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे बोला आप अपना MRI कराओ। मैंने MRI कराया। MRI कराने के बाद उन्होंने डिटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजिया है। मैंने पहली बार इस बीमारी के नाम में सुना था, मुझे लगा पता नहीं कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, क्या हो गया। तो फिर उन्होंने, जब मैंने खुद भी पढ़ा इस बारे में और मुझे डॉक्टर ने भी समझाया कि ऐसा ऐसा होता है, एक नर्व होती है जो आपस में कनेक्ट कर रही होती है जब भी आप खाते हो, पीते हो, बात करते हो, तो वो करंट इलेक्ट्रिक शॉक आता है। मुझे कोई बचपन से बीमारी तो थी नहीं, तो मैं बहुत डर गई, दवाई खानी शुरू की। जैसे इतना डर था कि जब मैंने दवाई खानी शुरू की मुझे एकदम रिलीफ हो गया, और मुझे ये, मैंने सब छोड़ दिया कि क्या बीमारी है, क्या है, सब कुछ गया बाढ़ में। बस मुझे तो दवाई से असर मिल गया ना, मैं खुश हूँ। दवाई खाने लगी, दवाई खाते खाते मेरी डोज धीरे धीरे बढ़ती चली गई, क्योंकि मेरा पेन हर 6 महीने में वापस आ रहा था। डोज इतनी बढ़ती चली गई कि मेरे को गाबापेंटाइन करके एक मेडिसिन है, वो भी डॉक्टर ने साथ में बोल दिया ट्रिकिटाल के साथ। उस दवा की वजह से मुझे धुंधला दिखने लगता था, मुझे ऊपर नीचे दिखता था। मैं ऑफिस में वो दवा खाने के बाद 1 घंटे तक बैठी रहती थी, क्योंकि मैं उठने की हालत में, चलने की हालत में नहीं होती थी। मैंने मेरे होने वाले हस्बैंड को इस बारे में बताया, वो बहुत परेशान था, बहुत उन्होंने, लेकिन फिर भी ही सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अभी जो भी हो गया मेडिसिन से, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था, बट उन्होंने मुझे दवाई दिया, मैंने खा लिया। और इतने पेन में मैं होती थी कि दवाई से मुझे जब असर पड़ता था तो मैं सोचती थी बस अब कुछ नहीं चाहिए, दवाई मैं ज़िंदगी भर खा लूँगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता लगा लोग सर्जरी भी एक ऑप्शन है इस चीज़ के लिए, जिससे आप जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हो। लेकिन जब मैंने मेरे डॉक्टर से दिल्ली में बात की तो उन्होंने बोला अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई खाओ। फिर मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गई, मेरी शादी हो गई, मैं कतार चली गई। ठीक है, मेरे डॉक्टर से मेरा वीडियो कंसल्टेशन होता रहता था। वीडियो कंसल्टेशन के बाद क्या रहता था, पेन होता था वो मुझे दवाई बढ़ा देते थे, पेन होता था दवाई बढ़ा देते थे, और वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये वाली मेडिसिन ईजिली अवेलेबल नहीं होते, तो दवाई वहाँ से लेना एक अलग प्रॉब्लम थी हम लोगों के लिए। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि जैसे ही वापस पेन आता था मैं बात करना छोड़ देती थी, खाना मेरा बिल्कुल बंद हो जाता था लिक्विड, जबकि मैं इतना फूडी हूँ कि मैं जानती हूँ मैं मतलब आई रियली लाइक ईटिंग फूड, बट सब बंद हो गया। मैंने बाहर जाना दोस्तों के साथ कम कर दिया, ऑफिस में बात करना कम कर दिया। मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे बहुत बोलना पड़ता है, आई होप अभी आप नोटिस करोगे कि मैं कितना बोल रही हूँ, राइट? सो बट मेरा वो सब कुछ बंद हो गया, और मैं बहुत, जैसे ही दर्द वापस आता था मैं बहुत डिप्रेशन में चले जाती थी। आई जस्ट लॉक माई सेल्फ माई सेल्फ, और मैं खुद को बस परेशान, नहीं बात करना है, ना खाना है, ना कुछ करना है।
फिर जब सर्जरी के बारे में पढ़ा तो मैंने खुद से रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर को पता लगा मेरी शादी हुई है, तब उन्होंने मुझे बोला कि एक काम आपको करना चाहिए कि आपको सर्जरी के लिए सोचना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सोचूंगी जब अगले साल या जब भी जाऊंगी इंडिया। मेरे हस्बैंड के साथ मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज आई थॉट इट्स नॉट दैट इमरजेंसी। बट अचानक से मुझे वापस से पेन होने लगा और इतना पेन हुआ कि मतलब मेरे को डॉक्टर ने हाईएस्ट डोज लिखा 600 600 and 600। वो उनकी गलती नहीं है, मैं उनके पीछे पड़ गई शायद कि मुझे बहुत पेन हो रहा, आप कुछ भी लिखो। और उन्होंने कहा कि ठीक है काम करो, जब तक तुम नहीं आती हो तब तक ये वाला डोज ले लो। इंडिया आने से दो दिन पहले मैंने वो डोज लेना शुरू किया 600 600 600, और फिर उसके साथ एक और मेडिसिन थी जो शायद 300 400 कुछ थी। और मैं अगले दिन ही इंडिया आ गई ये सोच के कि अब कुछ तो कराना ही पड़ेगा बिकॉज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने रिसर्च किया, जब रिसर्च किया बहुत डॉक्टर्स के बारे में देखा, बहुत रिव्यूज पढ़े, फिर आई केम टू नो अबाउट डॉक्टर जयदेव मांझवान इन पुणे। मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे MBBS किए हैं, वो स्पेशलाइज हैं इसमें। और एंड यू नो जब आप खुद रिसर्च करते हो तो आप क्या देखते हो, बस रिव्यूज पढ़ना चाहते हो। तो मैं उनकी वेबसाइट पे गई, मैंने उनके पेशेंट के लाइव उनके खुद के पेशेंट से बोलते हुए वीडियोस देखे। जब मैंने उनके बहुत सारे रिव्यूज वीडियोस देखे एंड सिर्फ MBBS की नहीं और भी दूसरी सर्जरीज के ब्रेन से रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, और जब मैंने उनके पेशेंट के वीडियोज देखे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट बनने लगा। मुझे लगा मुझे वहाँ जाके दिखाना चाहिए। और मैं खुद एक ऐसी हूँ कि मैं जगह जगह नहीं जाना चाहती थी, मैं चाहती थी बस मैं एक डॉक्टर पे स्टिक करूँ, मैं सिर्फ उनकी बात सुनूँ और वो क्या कह रहे हैं। और क्योंकि मैंने खुद इतना पढ़ लिया था उनके बारे में, मुझे बहुत कम क्वेश्चंस थे। मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, हम लोग आए और हमने उनसे कंसल्टेशन किया, उन्होंने हमें समझाया। मेरे बहुत कम क्वेश्चंस थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने ज़्यादा उनसे सवाल नहीं किए बट उनकी बात को सुना। मुझे पता था सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए। तो फिर हमने प्लान किया। तो जब प्लान किया सर्जरी डिसाइड हुई, उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ बात नहीं की बिकॉज ही नोज़ कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैं कह नहीं पा रही थी उनको कि मैं क्या सफ़र कर रही हूँ। और खाना पीना तो मेरा 20 दिन पहले से बंद था और 3 साल से मैंने इस साइड से खाया नहीं। मुझे जब से वो पेन शुरू हुआ मैंने इस साइड से खाना बंद कर दिया, चबाना बंद कर दिया। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग मेकअप यू नो, बिकॉज मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगा पाती थी तो मैंने मेकअप करना बंद कर दिया। मेरे कुछ भी क्रीम नहीं यूज कर पा रही थी, यहाँ के बालों को कोम करना होता था तो मैं कोशिश करती थी कि बस किसी भी तरीके से हो जाए। मैंने बाल कटवा लिए यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं लंबे बाल, मुझे पता था वो कहीं ना कहीं मुझे पेन कर देगा, बाल खींचेगा या कुछ होगा। तो प्लान किया, बहुत जल्दी सब कुछ डिसाइड हो गया, इट वाज हेसल फ्री। सर ने हमें बोला कि ठीक है एक दिन पहले हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। मेरे टेस्ट वगैरह हुए, टेस्ट हुए तो पता चला मेरा सोडियम कम है बिकॉज मैं इतना ज़्यादा दवा का डोज खा रही थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक दिन पहले उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, मुझे मेडिसिन दिया जो भी ज़रूरी था, और मेरा 2-3 बार उस रात सोडियम चेक हुआ। जब सब नॉर्मलाइज्ड हो गया तो फिर मेरा सर्जरी प्लान हुआ। जब सर्जरी हुआ उसके बाद अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पेन नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा। जब पेन नहीं हो रहा तो जबकि सर्जरी की साइड पे मुझे पेन था विच इज़ नॉर्मल, आई वुड से बहुत नॉर्मल है। सरदर्द होता है आपको, मैं बोलूँगी कि वो सरदर्द उस डेली के पेन से, वो कुछ दिन का सरदर्द उस डेली के खाने के डर से, पीने के डर से, बात करने के डर से, और बहुत बेटर है आई वुड से। मुझे लगा कि मुझे पेन नहीं है। दूसरे दिन तीसरे दिन जब मैं खाना खाने लगी तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने यहाँ से कुछ खाया क्या? तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ से मैं कैसे खा सकती हूँ, मैंने 3 साल से खाया ही नहीं है। और मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने बोला नहीं मैं यहाँ से नहीं खा सकती, मैं इसी साइड से खाऊंगी। उन्होंने बोला नहीं आप अभी खाओ, इसी वक्त खाओ। और फिर मैंने उनके सामने जब इस साइड से खाया 3 साल बाद तो मुझे पेन नहीं था। जब मुझे पेन नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रो देना चाहिए। How do you feel when you don't take those medicines anymore?
या द सेकेंड थिंग, मैं इतना ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि दवाइयों की वजह से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. आपको हेल्यूसिनेशन होता है, आपको डरावने सपने आते हैं. जब डॉक्टर ने मेरी दवाई कम की और मुझे पता लगा मैं कहाँ 3400 कुछ एमजी डेली का खा रही थी, और उन्होंने मुझे, क्योंकि ये वाली दवाई ऐसी है जो एकदम से बंद नहीं हो सकती, तो डॉक्टर ने हमें ये पहले बताया था कि इसको धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा. आई वॉज फाइन विद इट. मुझे लगा कि मैं 2-3 महीने और खा लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा पेन चला गया. सो उन्होंने जब मेरी दवाई कम की, तो मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से डरावने सपने आए, और इतना ज़्यादा वो डरावना और भयानक था कि मैं उनको बता नहीं पा रही थी कि मैंने क्या किया. फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेडिसिन खा रही थी. मैं जब खाना खाती थी तो माई हस्बैंड वॉज लाइक कि तुम्हारे हाथ क्यों कांपते हैं. मैंने कहा पता नहीं, शायद मैं घबरा रही हूँ या मैं बहुत खुश हूँ. बट बाद में पता लगा, डॉक्टर ने बताया कि इट इज़ वन ऑफ द विड्रॉल ऑफ मेरे ज़्यादा दवाई खाने का, मेरे हाथ कांपते हैं. बट आई वुड से मेरी रिकवरी बहुत फास्ट थी. मैं एक दिन आईसीयू में रही, और उसके बाद से उन्होंने मुझे चलाना शुरू कर दिया. मैं वॉक कर पा रही थी. मुझे थोड़ा टाइम लगा. आई वुड से रेस्ट सबको करना ज़रूरी है, विच इज़ नॉर्मल, टोटली नॉर्मल, ठीक है. और जैसे कि वो उन, यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर. आई वुड से जस्ट ट्रस्ट हिम और हर वर्ड्स. ओके, आई नो दे नो बेटर, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा वो जानते हैं. मैं आज इतनी खुश हूँ, और मेरे हस्बैंड को पता है, लाइक यू नो ही माइट, वो शायद मुझे दोबारा देख सकेगा जिस तरीके की मैं थी जब मैं उससे मिली थी. तो बिकॉज मैं बहुत चेंज हो गई, उसने देखा था मैंने कैसे सफ़र किया है, ही नोज. मेरा ऑपरेशन हुआ था 4th January, और आज 17 है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जब आई थी तो मैं सोनल से और उनके स्टाफ से बात भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मैं जैसे ही मुंह खोलती थी मुझे पेन होता था, और मेरी हालत बहुत ख़राब थी. मैंने मुंह नहीं धोया था, धो पा रही थी और कॉम नहीं कर पा रही थी. बट आज आप देख सकते हो मैं कितना बात कर रही हूँ. मेरा एनर्जी लेवल ही दूसरा है, ठीक है. मेरे घर में सब सोचते हैं कि हमने डिसीजन अच्छा लिया, हमने जो भी किया. ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे उतना अच्छा है. बिकॉज ओवर द टाइम होता क्या है कि आपके सिर्फ डोजेस बढ़ते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो डोजेस अफेक्ट करना बंद कर देती है, इम्पैक्ट करना बंद कर देती है, जिससे फिर जो रियल प्रॉब्लम्स है वो शुरू होती है. एज अ पार्टनर आई हैव सीन हर इन हर वर्स्ट, एंड राइट नाउ व्हाट आई कैन सी दैट शी जस्ट मेंशन कि यू नो मैं वापस तुम्हें ऐसा देखूंगा नहीं. आई ऑलरेडी सॉ यू द मोमेंट यू स्टार्टेड स्पीकिंग, एंड यू नो जब आप किसी दर्द के थ्रू गुजरते हैं और उसके बाद जब आप वापस उभरते हैं ना, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना सामने वाले को बोलने की जरूरत होती है. बिकॉज रेस्ट एवरीथिंग, लाइक एश माय वाइफ शी जस्ट मेंशन कि एक वो सर दर्द जो हीलिंग पेन, सर्जरी हीलिंग पेन इज वेरी बैड, बट द वे शी इग्नोर्ड इट बिकॉज शी वॉज हैप्पी एंड शी डजंट हैव टू मेंशन इट. एंड इवन आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग. अर्लियर जब ये बीमारी होती आप अपने पार्टनर को ना पूछते हो क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या, एंड दिस कीप्स इरिटेटिंग. यू नो कि आपको पता नहीं है कि आपका पार्टनर का एक बिहेवियर चेंज हो जाता है. वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, अपने आप से बात करना बंद करते हैं. शायद इसलिए वो इस यू नो इस बीमारी को सुसाइडल डिजीज भी बोलते हैं. बहुत से लोगों को नहीं मालूम है. सम पीपल दे जस्ट कमिट सुसाइड टू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस पेन, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मुझे बिल्कुल नहीं पता था जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करता वो पेन, वो मुझे नहीं पता होता है. लेकिन मुझे आज पता चला है. आई गॉट टू नो अबाउट डॉक्टर जयदेव पंचवाग, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई वाइफ. शी इज द वन टू रिसर्च इट, शी वॉज इन सेफ हैंड्स. यहाँ पे स्टार्ट टू एंड हर चीज प्रोसीजर के हिसाब से होती है. आपको बताया जाता है, आपसे बात किया जाता है, बिकॉज ये बीमारी आपसे, आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड है, आपके आपसे बात करने से रिलेटेड है. आप जब बात करते हो तो तक दुखता है कि नहीं है, क्या है, तो हमारे साथ हर स्टेज हर प्रोसीजर कवर किया गया है. एंड आई कैन सी द चेंजेस इटसेल्फ, लाइक यू नो इट्स वेरी रियल. मेरा लो होना या मेरा लोग एक लो होना, एक जब आप किसी से बात करते हो वो एक अलग बात है. डॉक्टर ने हमें एक एक चीज समझाई, जिसके बारे में हमें पता था वो भी, जिसके बारे में हमें नहीं पता था वो भी. द बेस्ट थिंग इज सर्जरी के बाद एग्जैक्ट दस, आई थिंक मेरे जैसे ही होश में आए एनेस्थीसिया के, उसके बाद से मेरा पेन गायब था. इट्स नॉट दैट मेरे को टाइम लगा, मैं दूसरों का पढ़ती थी तो exactly. सी आप अच्छा पढ़ते हो, आप बुरा पढ़ते हो, सब कुछ है. बट जस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर, आई वुड से.
एंड हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया से नहीं, यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं सर्जरी कराने के लिए. तब हमें थोड़ा सा और अंदर से बूस्ट हो गया कि नहीं कुछ तो बात होगी राइट, और कुछ तो होगा, हमें जाके एक बार मिलना चाहिए. और जब हम उनसे एक बार मिले, मैं खुद ही इतना पढ़ चुकी थी, फिर उनके कहने पर मुझे और ट्रस्ट थोड़ा आ गया, और फिर हमने सोचा कि नहीं हमें यही करवा लेना चाहिए. मेरा पेन बिल्कुल गायब है, मैं साइड से खा पा रही हूँ. मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं मुझे क्या मिला सर्जरी के बाद, बट मैं आपका चेहरा बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. द वे यू आर स्पीकिंग एंड द वे यू आर स्माइलिंग, आई एम वेरी हैप्पी. एग्जैक्टली, वी थैंक टू गॉड, वी थैंक टू द टीम, डॉक्टर जयदेव टीम एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, अगर आपके डॉक्टर कम बात करें, नो नीड टू ऑपरेट, ओके, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ पर्सन ऑफ एक्सपर्टाइज, ओके, हिज हैंड्स विल वर्क ऑन यू. सो उनकी बातें नहीं बात करेंगी. वन मोर थिंग, आईड लाइक टू आल्सो मेंशन अबाउट मिसेस पंचवाग. She has been more of somebody that we have been seeing quite often and you know, communicating with her, and the way that she has communicated with us, even the, I mean, you know, I don't know how many names I would take or I want to, but you know, some consultants like you know, may it be Sonal who's in the clinic, may it be Miss Savita, yeah, I felt there was a positive reinforcement. The testimonials that we saw, it's the experience that I have experienced is something that, yeah, 100%, I mean, the marks that I would like to give, especially Ms. Panchwag, when I spoke to her, you know, when in our visits, that doctor and patient communication, that emotional, I think, yeah, support, I think, and it was very, you know, cozy experience that I can share. So they were quite supportive of, she was very supportive. और सर्जरी बोल दिया डॉक्टर ने तो अरे अब क्या होगा, नहीं, अगर डॉक्टर सर्जरी बोल रहा है तो शायद यही एक बेस्ट ऑप्शन है. डोंट वेट अंटिल आपकी दवाइयाँ काम करना बंद कर दे, जो कि मेरे केस में हुआ. डोंट थिंक कि ये वाला, अगर ऑप्शन सर्जरी का दिया है डॉक्टर ने, गो फॉर इट. आई वुड से 100 क्वेश्चन है, आप 100 सवाल पूछो, दे विल आंसर इट. एंड क्योंकि हम स्पेशली कतार से आए इस सर्जरी के लिए, यू नो, हम इंडियन है, बट हम लोग इस, मतलब हम सब कुछ छोड़ के, कुछ और जगह छोड़ के हम यहाँ आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट था. एंड सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन, आई वुड से, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए बेस्ट ऑप्शन.